वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड थ्री में पहुंच चुके, दो एलिमिनेशन हो चुकी हैं और यहां मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। मजीद आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे। इनकी बैंक की पोजीशन है 12,500 रुपए। इस राउंड का टॉप प्राइज मजीद ऊपर जाएगा, वक्त जाएगा कम, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है, तो मैं इस घबराहट को कम करना चाहती हूँ। सदाकत मुझे बताएं, आप करते क्या है? मैम वैसे मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा वॉइस ओवर का काम है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जी। आप लोगों की आवाज़ इमिटेट भी करते हैं? एनिमल्स की आवाज़ हो गई, जैसे कि बुढ़ी अम्मा की हो गई। हाँ, लड़की की हो गई। लड़की की सुनाएंगे? लड़की की मैं यू डोंट माइंड मैं आपकी अगर एक्टिंग करके दिखाऊँ? ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी हॉस्टेस सनम जंग और आप देख रहे हैं आज आखिरी खिलाड़ी कौन। तो आज हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद हैं, इन लोगों को हम लोग देखेंगे कि कौन कैसा खेलता है और कौन कितनी रकम लेकर जाता है। चेन बाय चेन, वन बाय वन ये लोग चलेंगे। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ओके लवली, मुझे बताएं किसी कार्टून कैरेक्टर की भी करते हैं? किस किस की कर सकते हैं? डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक की बताएं। आपने टॉम एंड जेरी तो देखा होगा मैम, उसमें ट्यूटी जो होती है येलो कलर की, अब वो कैसे कहती है? सिर्फ टॉम एंड जेरी में तो नहीं होती है, टॉम एंड जेरी में डोनाल्ड डक होती है। वो वाला एपिसोड था कि जब बिल्ली बंदूक उठा के ट्यूटी को मारती है। अच्छा, याद आपको? आई थिंक जहन में आए, वो नीचे गिर जाती है, अब वो अपनी माँ को चिल्ला रही होती है डोनाल्ड डक, जब वो उसके मलम लगा रहे होते जेरी तो फिर उसकी माँ मिल जाती है, फिर वो अपनी फिर माँ को आवाज देता मामा मामा आओ। तो ये आपको कब से मतलब शौक है? मैम ये समझ लें आप, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है बचपन से। लवली, तो और किसकी कर सकते हैं? चूजे की आवाज हो गई। हाँ, ओह माय गॉड, ये है दिन की आवाज ना। कभी आपने क्लास में ऐसे किया और सब देख रहे हैं कि कौन क्या कहां से आवाज? अब मेरे कॉलेज से फोन आता था, मूड नहीं होता कभी जाने का, दो महीने तीन महीने मूड नहीं होता था, दो महीने तीन महीने मूड नहीं होता था जाने का। शादियां इतनी चलती है ना, तो रात को लेट आते हैं, सुबह सो रहे कॉलेज कैसे जाएंगे। अब कॉलेज में ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने बड़ों का नंबर लिखवाओ, या तो फादर का लिखवाओ या तो मदर का लिखवाओ। मेरे पास से दो नंबर, पहला अपने लिखवा दिया और दूसरा अपने फादर का लिखवा दिया, मदर का लिखवा दिया। कॉल आती है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से बात कर रहे हैं, शहजाद बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल। मैं पहले सुनता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट कॉलेज से, प्रिंसिपल। ये मिर्जा सदाकत बेग जो हैं इंटर के स्टूडेंट हैं, और ये आई थिंक इनको हो गए हैं 1.5-2 महीना हो गए, ये आ नहीं रहे। फिर मैं सुनता हूँ आवाज़, मैम आवाज़। हाँ मैं उनकी ना मम्मा बात कर रही हूँ, असल में उनके साथ ये मसले है कि बच्चे को है ना पीलिया निकला हुआ है, और मैं इसको रोज़ डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, रोज़ छुड़वाने जा रही हूँ, ये मसले हैं। वो सुनते हैं सर। अच्छा, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, बच्चे को सत्यापित देगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, बच्चा ठीक हो जाए तो आप भेज देना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप सर दुआ करें बच्चा ठीक हो जाए ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको भेजूंगी। बाकी आप सर असाइनमेंट कोई भी उनके फ्रेंड्स वगैरह तो उनके साथ खैर पे पहुँचा दें। अल्लाह हाफिज़। Wow, that's amazing and very खतरनाक also. और मैं कभी कभी मैम दादी भी बन जाता हूँ। हाँ दादी बन के बताओ। और बेसिक कहीं सेंटर वगैरह से को लगाई? अरे सलाम वालेकुम, अरे कौन बात कर रहे हो बेटा? मैं बात कर रहा हूँ सदाकत के सेंटर से बात कर रहा हूँ, वो आ नहीं रहे क्या? अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे पोते को कल रात से बुखार है बच्चे, उसका बाप तो गए हुए दवाई लेने, फोन मेरे पास, मैं यही बोलो ये टच फोन चल गए ना आजकल, तो मुझसे उठाए ना जाए, दूसरे कॉल पे उठाया है, और मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है, अल्लाह 102। अच्छा अच्छा, तो बच्चा अगर ठीक हो जाए तो आप भेज दीजिएगा। अरे हाँ मेरे को, अरे मुझे ज्यादा फिक्र है मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, मैं काय को नहीं भेजूंगी, तुमसे ज्यादा फिक्र रखती हूँ, दादी हूँ तो क्या हुआ। अच्छा हाँ दादी, बस दो में याद रखेगा इंशाल्लाह, आप भेज देना बच्चे को, ठीक है बेटा, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त जी, चले ठीक है, अगर आप यहाँ होते हैं हमारे साथ आखिर राउंड तक, अगर
तो मजीद फिर आपसे और भी कौन कौन सी मिमिक्री कर सकते हैं, किस किस की, वो भी आपसे सुनेंगे। यकीनन आप ज़रा रिलैक्स हो गए होंगे सब लोग, अच्छा खेलेंगे, ज़्यादा पैसे जमा करेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे लेकर जाने हैं। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the guess. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।